सलाम नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे तापसी पन्नू और ताहिर राज भासिन की आने वाली फिल्म लूप लपेटा के बारे में, जो कि नेटफ्लिक्स पर 4 फरवरी को रिलीज होने वाली है। इससे पहले हम बात करते हैं ताहिर राज भासिन की। वह हाल ही में 83 फिल्म के अंदर भी सुनील गावस्कर का रोल प्ले करते हुए नजर आए थे, और उन्हीं की आज एक और फिल्म जो कि नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज होगी और जिसका टाइटल है ये काली काली आंखें। ताहिर राज भासिन पिछले कुछ समय से लगातार फिल्में कर रहे हैं, और किसी भी नए एक्टर के लिए यह एक अच्छी बात होती है कि उन्हें लगातार काम मिल रहा है और लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, और वह पहली बार तापसी पन्नू जैसी टैलेंटेड एक्टर के साथ नजर आने वाले हैं। बात करें लूप लपेटा की, तो लूप लपेटा एक जर्मन फिल्म रन लोला रन का ऑफिशियली हिंदी रीमेक है। जी हाँ दोस्तों, और जब आप ट्रेलर देखेंगे तब आप समझ जाएंगे कि यह एक टाइप की क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसके अंदर एक भोला भाला लड़का जो शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाना चाहता है, इसके चक्कर में वह कैसीनो की मदद लेता है, और कैसीनो में जाकर एक वह बहुत बड़ा अमाउंट हार जाता है, और अपने ही शॉर्टकट तरीके में वह बुरी तरह से फंस कर रह जाता है। अब बारी आती है उसकी चालाक और इंटेलिजेंट गर्लफ्रेंड की, जो कि तापसी पन्नू है, कि वह कैसे अपने बॉयफ्रेंड को बचाती है। तापसी पन्नू की आप जितनी भी लास्ट रिलीज फिल्में देखेंगे तो वह आप यह नोटिस करेंगे कि अधिकतर उनके रोल ऐसे लिखे जाते हैं जो या तो मेल एक्टर के टक्कर के हो, या कई बार वह मेल एक्टर पर भी भारी पड़ती है, और ऐसा ही कुछ लूप लपेटा के ट्रेलर को देखकर भी आप समझ जाएंगे कि वह ताही राज भासिन से भी दमदार रोल तापसी पन्नू के पास है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है उनकी टैलेंटेड एक्टिंग और शानदार दमदार अभिनय। जी हाँ दोस्तों, लूप लपेटा एक टाइप की क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसके अंदर आपको क्राइम, रोमांस और पैसे के पीछे भागते हुए एक आदमी की रेस की कहानी मिलेगी, और वह कैसे ही अपने ही बनाए हुए जाल के अंदर फंस कर रह जाता है। तो यह थी बात आज कल रिलीज हुए लूप लपेटा के ट्रेलर के बारे में। जल्दी मुलाकात होगी नए किसी बॉलीवुड टॉपिक पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त निखिल आपसे विदा चाहूंगा। आप सभी को मकर संक्रांति की बेहद शुभकामनाएं। जय हिंद।